बहुत ही स्वादिष्ट डिजर्ट। हमने पूरा हाफ लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, गैस को ऑन कर लिया है, हाफ लीटर फुल क्रीम मिल्क, और इन्हें अच्छे से पूरा गर्म होने दे। अच्छे से दूध में पूरा उबाल आ जाना चाहिए। देखिए दूध में हल्का उबाल आने लग रहा है। हम इसमें से ही थोड़ा सा एक चम्मच पूरा दूध निकालते हैं और हम एक पैकेट पूरा कॉफी का डाल देते हैं और इसे अच्छे से पूरा मिलाइए। अब इसे रख दीजिए। और इसे अच्छे से उबलते रहने दीजिए गैस को कम करके। और हमने हाफ लीटर ही दूध लिया है। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, जितना मीठा खाना पसंद करें। मैंने एक कटोरी चीनी डाला है। चीनी को दूध में पूरा अच्छे से घुल जाने दीजिए। और अब आप एक साइड बॉल लीजिए, उसमें डालिए कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, 2 चम्मच डालिए, इसमें पानी डाल के अच्छे से मिला दीजिए। इन्हें अच्छे से मिला कर रख दीजिए। अब हमारी चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है पूरी। अब हमें इसमें कॉफी डाल देना है। और इन्हें अच्छे से मिलाइए। इन्हें अच्छे से उबलते रहने दीजिए। देखिए कितने अच्छे से बुलबुले आ रहे हैं। इन्हें अच्छे से मिलाते रहिए। हमने गैस को कम ही रखा है। अब हमें डालना है इसमें कॉर्नफ्लोर जो हमने घोल के रखा है, उसे डालिए। अब इन्हें अच्छे से मिलाते रहिए। चलाते रहना है। बहुत इजी है और बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। बहुत ही अच्छा टेस्ट
टेस्ट और स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी और स्वादिष्ट। अब हमारा तैयार हो गया है। अब हमें गैस को बंद कर देना है। अब हमें एक बर्तन में ऐसे निकाल के अब इसे 2 घंटे के लिए फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में रख दीजिए ढक के। अब हमारा 2 घंटा हो गया है और अब दूध और कॉफ़ी के बहुत ही स्वादिष्ट डिज़र्ट, अब इसको कॉफ़ी या चॉकलेट पाउडर चाहे जिससे भी आप ये कर दे, डेकोरेट कर दे। अब इन्हें हम अच्छे से कट करके निकालेंगे।